हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपका बजट जो है वो लगभग 25,000 रुपीज़ के आसपास है और आप उसमें जो है वो बेस्ट एंड्रॉइड टीवी ढूंढ रहे हैं, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मी टीवी 4A होराइजन एडिशन और वन प्लस वाई सीरीज टीवी का। बताएंगे दोनों की आपको डिटेल, स्पेसिफिकेशन, प्रोज और कॉन्स कि दोनों में से आपको कौन सी बाय करने चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीवीज के बिल्ड और डिजाइन की। तो दोनों ही टीवी में आपको जो है वो प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है। दोनों का डिजाइन जो है वो लगभग सेम है। दोनों में आपको जो है वो प्लास्टिक के बेस स्टैंड प्रोवाइड किए गए हैं। बात करते हैं दोनों ही टीवीज के डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं दोनों ही टीवी के वेट की। तो जो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन है वो है 5.5 केजी का, जबकि वन प्लस वाई सीरीज जो है वो 5.2 केजी का है। अब बात करते हैं दोनों टीवीज में आपको कौन कौन से कलर मिलते हैं। तो दोनों में आपको सिर्फ सिंगल कलर मिलता है, ब्लैक कलर। अब बात करते हैं दोनों टीवीज के डिस्प्ले की। तो दोनों टीवीज में आपको जो है वो 40 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। बात करते हैं पैनल क्वालिटी की। तो दोनों टीवीज में आपको जो है वो VA पैनल दिया गया है, जो कि TN पैनल से थोड़ा सा ऊपर रहता है और IPS पैनल से थोड़ा सा नीचे रहता है। बात करते हैं दोनों टीवीज के रिजोल्यूशन की। तो 1920x1080p फुल HD रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया। बात करते हैं एस्पेक्ट रेशो की। तो 16:9 का जो है वो एस्पेक्ट रेशो आपको दोनों में ही दिया गया। बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो की। तो दोनों ही जो टीवीज उसमें आपको लगभग 93.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया। तो देख सकते हैं दोनों टीवी जो है वो बेजललेस हैं। बात करते हैं दोनों टीवीज के पिक्चर इंजन की। तो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन में आपको विविध पिक्चर इंजन प्रोवाइड किया गया, जबकि वन प्लस में आपको जो है वो गामा पिक्चर इंजन दिया गया। साथ ही साथ वन प्लस में आपको जो है वो डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन दिया गया, जिससे जो कलर्स हैं वो काफी बूस्ट हो जाते हैं। बात करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट की। तो जो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन है उसमें आपको 93.8% DCI-P3 कलर गैमेट दिया गया और लगभग 83% के आसपास आपको जो है वो NTSC कलर गैमेट दिया गया। बात करते हैं वन प्लस वाई सीरीज की। तो इसमें आपको सिर्फ 93% का जो है वो DCI-P3 कलर गैमेट दिया गया, साथ ही साथ 83% का आपको NTSC कलर गैमेट दिया गया। तो देख सकते हैं लगभग दोनों की पिक्चर क्वालिटी जो है वो सेम ही है। बात करते हैं आप दोनों ही टीवीज के परफॉर्मेंस की। तो जो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन है उसमें आपको एमोलॉजी कॉर्टेक्स A53 क्वाड कोर 64-bit प्रोसेसर जो है वो दिया गया। साथ ही साथ GPU की बात करते हैं उसमें आपको माली का 450MP3 वाला GPU दिया गया है। बात करते हैं वन प्लस वाई सीरीज की। तो यहां पर जो है वो प्रोसेसर का कोई नाम बताया नहीं गया है, बट ये बताया गया कि इसमें आपको कॉर्टेक्स A53 क्वाड कोर 64-bit प्रोसेसर जो है वो दिया गया। साथ ही इसमें आपको माली का 470MP3 वाला GPU दिया गया, जो कि माली 450 से जो है थोड़ा सा बेटर है। अब बात करते हैं दोनों ही टीवीज के रैम और स्टोरेज की। तो यहां पर दोनों ही टीवीज में आपको 1GB की रैम दी गई और 8GB की स्टोरेज दी गई, जिसमें से लगभग 4GB आपके लिए यूजेबल होगी। बात करते हैं दोनों टीवीज के स्पीकर्स की। तो दोनों टीवीज में आपको जो है वो डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए, जो पर वॉट स्पीकर है वो है 10W। बात करते हैं मी टीवी 4A होराइजन एडिशन की। तो यहाँ पर आपको DTS HD का सपोर्ट दिया गया, जबकि वन प्लस वाई सीरीज में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया, जिससे जो साउंड की क्वालिटी है वो काफी एनहांस हो जाती है। अब बात करते हैं दोनों टीवीज के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन है उसमें आपको जो है वो पैच वॉल का सपोर्ट दिया गया, जो कि एंड्रॉइड 9 पर बेस्ड है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। इसमें आपको यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन मिलता है, किड्स मोड मिलता है, पैरेंटल लॉक मिलता है। तो देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आपको दिए गए। बात करते हैं वन प्लस वाई सीरीज की। तो इसमें आपको ऑक्सीजन प्ले दिया गया है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 9 पाई पर। तो देख सकते हैं दोनों की जो क्वालिटी है वो लगभग सेम है। यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 9 दिया गया है और जो वन प्लस उसमें भी आपको एंड्रॉइड 9 प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं दोनों टीवी के पोर्ट्स की। तो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन में आपको जो है वो 3 HDMI 2.0 वाले पोर्ट दिए गए, जिसमें से एक जो है वो ARC को सपोर्ट करता है, दो आपको USB 2.0 वाले पोर्ट दिए गए, एक आपको RJ45 ईथरनेट पोर्ट दिया गया, एक आपको जो है वो ऑप्टिकल पोर्ट दिया गया, एक आपको जो है वो AV पोर्ट दिया गया, एक आपको 3.5mm का ऑडियो जैक प्रोवाइड किया गया। बात करते हैं वन प्लस की। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही HDMI पोर्ट दिए गए 2.0 वाले, जिसमें से एक जो है वो ARC को सपोर्ट करता है, दो यहाँ पर भी आपको USB के 2.0 वाले पोर्ट दिए गए, एक ऑप्टिकल पोर्ट दिया गया, एक आपको इथरनेट का पोर्ट दिया गया, एक AV का पोर्ट दिया गया और एक आपको एक्स्ट्रा RF पोर्ट दिया गया, जिससे आप केबल वगैरह जो है उसमें लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.5mm जैक जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। अब बात करते हैं दोनों ही टीवीज के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो दोनों ही टीवीज में आपको जो है वो 2.4GHz सिंगल वाईफाई बैंड का सपोर्ट दिया गया, दोनों में आपको जो है वो 5GHz के बैंड का सपोर्ट नहीं दिया गया। बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की। तो जो मी टीवी 4A होराइजन है उसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है, जबकि जो वन प्लस वाई सीरीज है उसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 वर्जन प्रोवाइड किया गया, जो कि लेटेस्ट है। बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। तो यहाँ पर दोनों में आपको गूगल असिस्टेंट जो है वो बिल्ट इन दिया गया है, साथ ही साथ क्रोम कास्ट भी दोनों में आपको बिल्ट इन दिया गया है। बात करते हैं मी होराइजन की। तो यहाँ पर आपको जो एक मी होम ऐप प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू आप शाओमी के जो भी गैजेट्स हैं उनको टीवी के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो शाओमी मी होराइजन एडिशन है इसमें आपको जो रिमोट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए, जैसे कि
यहाँ पर क्विक वेक का जो एक फीचर है जिसके थ्रू आप 5 सेकंड्स में जो है अपनी टीवी को टर्न ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं वन प्लस वाई सीरीज की, तो यहाँ पर आपको जो है वो एलेक्सा जो है वो बिल्ट इन दी गई है जिसके थ्रू आप जो है वो एलेक्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आपको जो है एक सॉफ्टवेयर दिया गया वन प्लस कनेक्ट जिसके थ्रू आप जो है वो वन प्लस के जो स्मार्टफोन्स हैं उनको जो है वो टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे दोनों ही टीवीज के डिटेल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इनके प्रोज और कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मी टीवी 4A होराइजन एडिशन के प्रोज की। तो यहाँ पर आपको पैचवॉल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आप जो है वो कैटेगरी वाइज कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड प्रोज की। तो यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा पोर्ट दिए गए, HDMI का पोर्ट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है जो कि वन प्लस वाई सीरीज में मिसिंग है। बात करते हैं अब मी टीवी 4A होराइजन एडिशन के कॉन्स की। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिल सकती है वन प्लस वाई सीरीज के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर माली का 450 MP3 वाला GPU आपको दिया गया जबकि वन प्लस वाई सीरीज में आपको 470 वाला GPU दिया गया। बात करते हैं सेकंड कॉन की। तो यहाँ पर आपको ओल्ड ब्लूटूथ 4.2 वर्जन दिया गया जो कि ओल्ड हो चुका है, अब जो है वो 5.0 तो देना ही चाहिए। साथ ही साथ बात करें तीसरे कॉन की, तो यहाँ पर कोई भी एलेक्सा का आपको सपोर्ट नहीं दिया गया। तो ये तो थे मी टीवी 4A होराइजन एडिशन के प्रोज और कॉन्स। अब बात करते हैं वन प्लस वाई सीरीज के प्रोज और कॉन्स की। तो प्रोज की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो बेटर परफॉर्मेंस मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपको माली का 470 MP3 वाला GPU दिया गया जो कि 450 से बेटर है। बात करते हैं सेकंड प्रोज की। तो यहाँ पर जो है वो डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया जो कि DTS:HD से थोड़ा सा जो है वो एज जो है वो लेकर जाता है क्वालिटी वाइज। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 लेटेस्ट वर्जन दिया गया जबकि जो मी 4A होराइजन एडिशन है वहां पर आपको सिर्फ 4.2 वर्जन ही प्रोवाइड किया गया। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो यहाँ पर एलेक्सा का जो है सपोर्ट आपको दिया गया जिसके थ्रू आप जो है वो अमेज़न एलेक्सा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वन प्लस वाई सीरीज के कॉन्स की। तो यहाँ पर जो है वो दो पोर्ट्स मिसिंग है। पहला आपको जो है वो सिर्फ दो HDMI पोर्ट ही दिए गए जबकि जो मी टीवी 4A होराइजन एडिशन है उसमें आपको टोटल 3 पोर्ट्स दिए गए HDMI के। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई भी जो है वो डेडिकेटेड 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं दिया गया। बात करते हैं सेकंड कॉन की। तो यहाँ पर आपको जो है वो रिमोट में कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिए गए जैसे कि क्विक वेक हो गया जो कि मी टीवी 4A होराइजन एडिशन में आपको दिए गए। तो ये तो थे दोनों ही टीवीज के प्रोज और कॉन्स। अब बात करते हैं इनकी प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो दोनों ही जो टीवी है उसकी प्राइस है 24,999 और दोनों ही टीवी आपको Amazon Flipkart दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल मिलेगी। अब बात करते हैं दोनों में से विनर की। तो विनर जो है वो वन प्लस वाई सीरीज है। यहाँ पर आपको काफी सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं मी टीवी 4A होराइजन एडिशन की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।